तो फ्रेंड्स, हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का ये नया दूसरा यहाँ पर वीडियो है। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स के बारे में। तो अभी तो कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स का ही वीडियो चल रहा है यहाँ पर, लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि और समझाया था कि कंप्यूटर हार्डवेयर में ये जो बेसिक पार्ट होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पर। और हर एक यहाँ पर मोबाइल हो, एंड्रॉयड मोबाइल हो, या फिर हमारा कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, या फिर हमारा सर्वर हो, या तो कोई भी हमारा नेटवर्क डिवाइसेस होता है यहाँ पर, उन सभी के अंदर ये मेन पार्ट्स होते ही हैं यहाँ पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर के नए बेसिक कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें कंप्यूटर के जो मेन बेसिक पार्ट है उनमें से एक ये नया है डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस मीन्स एक ऐसा सिस्टम कि जब आप कोई, मैं यहाँ पर माइक्रोफोन से बोल रहा हूँ, ये मेरा डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइस से, माइक्रोफोन से मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साथ ही साथ एक यहाँ पर कंप्यूटर का जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ पर मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, ये जो एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, तो ये मेरा बोलने का माइक और यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाला मेरा सॉफ्टवेयर, इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन करवाने के लिए, या तो फिर हमारे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमारा यूज होता है ड्राइवर। तो चाहे माउस हो, चाहे फिर हमारा कोई भी हमारा कीबोर्ड हो, चाहे फिर कोई भी ऐसा डिवाइस, चाहे फिर वो राउटर हो, चाहे फिर वो कोई भी आप यूज करने वाले एडेप्टर हो, तो कोई भी कंप्यूटर एडेप्टर, कोई भी, बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं, लेकिन डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, उनको यूज करने के लिए ड्राइवर होता है। तो एक ये ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर एक स्पेशल प्लेस होता है, एक स्पेशल प्लेस में एक सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया हुआ, एक हार्डवेयर के कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, और कंप्यूटर समझे कि ये जो डिवाइस है ये कौन सा डिवाइस है, मोबाइल का है, मोबाइल आपने अटैच किया है कंप्यूटर के साथ, या तो फिर आपने कोई कीबोर्ड अटैच किया है, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है? तो ये पता चलता है ड्राइवर की वजह से। और ड्राइवर के अंदर मेंशन किया होता है, डिवाइस ड्राइवर अलाउस ऑपरेटिंग सिस्टम टू सी कंट्रोल एंड यूज हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो आपका जो कंप्यूटर, जो हार्डवेयर जो होता है, जैसे कि आप कंप्यूटर के अंदर कुछ लिखते हो, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि आपने कीबोर्ड से लिखा है यहाँ पर? कि हमारे इनपुट देने वाले तो बहुत सारे यहाँ पर सर्विसेज होती है। यहाँ पर इनपुट मतलब हम जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए हम सिग्नल भेजते हैं, वो तो माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है क्योंकि वो कंट्रोल करता है, और हमारा यहाँ पर कीबोर्ड है वो भी हमारा इनपुट डिवाइस है क्योंकि वो भी कंट्रोल करता है हमारे। तो मोबाइल के अंदर कीपैड क्या होता है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि हम उसके लेटर जो है ऐड करते हैं, हम कुछ लिखते हैं मोबाइल, तो उनको कैसे पता चलता है कि ये जो आपने क्लिक किया है या तो फिर आपने कंप्यूटर के अंदर यूज किया इस हार्डवेयर को? तो ये जो होता है ड्राइवर, जब तक आप ड्राइवर एंटर नहीं करते हो तब तक आप ठीक तरह से उस डिवाइस को यूज नहीं कर पाओगे। आप नया मार्केट का नया नया माउस लेकर आए हो और आप पुराने वाले कंप्यूटर के अंदर ऐड करोगे, अटैच करोगे, तो वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसका ड्राइवर आपके कंप्यूटर के मेन सिस्टम के साथ जुड़ा नहीं है। अगर जुड़ा भी है तो वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, कंफर्टेबल नहीं है। तो हमेशा आपको ये ड्राइवर क्या होता है, एक तरह की प्रोग्रामिंग फाइल होती है, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होते है, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होते हैं वो अपने तरीके से हार्डवेयर को चेक करते हैं, हार्डवेयर की कंपोनेंट को समझते हैं, और उसी के हिसाब से ये प्रोग्रामिंग होती है यहाँ पर। जब हमारा जो ड्राइवर अनइंस्टॉल होता है या तो फिर एक्सपायर हो जाता है, या तो फिर हमारा कुछ उसकी फाइल करप्ट हो जाती है वायरस के कारण, या तो फिर हमारी गलती के कारण, तो वो कंपोनेंट, वो पार्ट काम करना बंद कर देता है। जैसे कि माउस की कोई फाइल है ड्राइवर की, तो वो करप्ट हो गई या तो फिर डिलीट हो गई, या तो फिर हम उसको अपडेट करना भूल गए यहाँ पर, तो ये क्या होता है कि ये कंप्लीट हमारा हार्डवेयर काम नहीं करेगा। तो उसी तरह से ये जो होता है, यहाँ पर बताया है कि इस स्पेशल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइनेड टू इनेबल अ हार्डवेयर कंपोनेंट, एक ऐसा यहाँ पर पीस है सॉफ्टवेयर का जो डिजाइन करके बताता है आपको हार्डवेयर को कि ये कंपोनेंट इनेबल है आपके लिए।
और साथ ही साथ ड्राइवर आपको अलाउ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम टू सी, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को दिखाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए और उसका यूज़ करने के लिए हार्डवेयर को यहाँ पर यूज़ होता है। तो अगर हम ऐसा कहें कि कोई भी हमारा जो सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल करते हैं तो उसको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी हमारा जो मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड ऐप्स हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके भी हमें एप्लीकेशन को ऐड करने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे कोई मोबाइल में नया कोई सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, चाहे फिर वो वीडियो एडिटिंग का हो, चाहे भी फोटोशॉप हो, उसके लिए भी हमें ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम कोई नया कैमरा लाते हैं, वायरलेस ब्लूटूथ लाते हैं, वायरलेस वाईफाई का एडेप्टर लाते हैं, या तो फिर हमारा नया कोई कीबोर्ड लाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ लाते हैं जो हार्डवेयर टाइप है जो हम छू सकते हैं, हम यहाँ पर पकड़ सकते हैं उसको और साथ ही साथ हम उसको यूज़ करते, तो कंप्यूटर और उस हार्डवेयर के बीच दोनों के बीच कनेक्टिविटी करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और सिस्टम को, हमारे मेन कंप्यूटर के सिस्टम को समझाने के लिए ये काम कौन करता है, ड्राइवर करता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो रिक्वायर जो होती है दोनों सिस्टम के अंदर कंट्रोल करने के लिए, यही चीज़ यहाँ पर हार्डवेयर के अंदर साथ कनेक्ट होकर वो ड्राइवर जो एक्टिव होता है। लेकिन ड्राइवर तभी एक्टिव होता है जब आप उसको इंस्टॉल करते हो हार्डवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सिस्टम टू सी कंट्रोल एंड यूज हार्डवेयर कंपोनेंट, इट्स बोथ हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली एंड इज रिक्वायर्ड बाय ईच पीस ऑफ इंस्टॉल हार्डवेयर फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम बीइंग यूज। जब तक आप अपना हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों को समझोगे नहीं और इन दोनों के ऊपर जरूरी जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जो जरूरी आपकी पीस मतलब अलग अलग यहाँ पर पार्ट्स जो होते हैं वो आप इंस्टॉल नहीं करते हो, तब तक हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम शुरुआत से आपके जो नए डिवाइस आपने लगाई है वो ड्राइवर काम नहीं करेंगे। मतलब हमेशा आपको ये दोनों चीज़ समझनी होगी कि अगर मैं माउस चलाता हूँ तो माउस किस टाइप का है, PS2 है, PS टाइप का है या USB टाइप का है। फिर आप नया कंप्यूटर लाते हो लेकिन उसके अंदर कौन कौन सी पिन कब काम आती है, पिन बहुत सारी अलग अलग टाइप की होती है यहाँ पर, तो हर पिन का यहाँ पर कुछ ना कुछ ड्राइवर उसका कुछ ना कुछ आईडी होता है, प्रोसेस आईडी अलग होता है, बहुत कुछ होता है यहाँ पर, उसकी सर्विसेज भी अलग होती है यहाँ पर, उसको कंट्रोल करने के लिए ड्राइवर भी अलग अलग होते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होते हैं बाय डिफॉल्टली, लेकिन कुछ आप नया एंटर करना चाहते हैं तो उसके साथ आपका डिवाइस के साथ ड्राइवर भी एंटर होना चाहिए। बहुत ही इंटरनेट के ऊपर आप सर्च करोगे तो आपको ड्राइवर मिल जाएंगे, लेकिन वो किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है वो मैंने आपको समझा दिया है विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन के अंदर, वहाँ जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो किस तरह से आपको यहाँ पर एंटर करना है या तो किस तरह से आपको ड्राइवर ढूंढना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कि फर्मवेयर। मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो के अंदर कि फर्मवेयर क्या होता है, कि कंबाइंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनटू इम्पोर्टेंट चिप्स इनसाइड द माइक्रो कंप्यूटर। ये एक ऐसा सिस्टम है जब हमारे कंप्यूटर के अंदर जो बहुत छोटी छोटी चिप्स होती है, यहाँ पर छोटी छोटी आईसी कह सकते हो आप, और उसके अंदर जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते, कोई भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते या तो फिर हम कोई भी हम एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं, तो इन सभी का डेटा जो होते हैं, प्रोसेस जो होती है वो यही इनकी चिप के ऊपर से यहाँ पर जाती है। लेकिन वो चिप किस चीज़ को कहाँ भेजे, किस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है और इस डेटा के सिग्नल किस तरह जाने चाहिए, ये फर्मवेयर के यहाँ पर एक कंबाइंड हार्डवेयर का यहाँ पर एक कंबाइंड किया हुआ इम्पोर्टेंट चिप का यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर की तरह आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या करता है कि कोई भी आपका हार्डवेयर होता है, अगर आप कोई नई चिप बनाते हो लेकिन वो चिप कहाँ पर लगेगी, किस जगह पर लगेगी, कौन से यहाँ पर सिग्नल ऐड होते हैं, कौन से सिग्नल वो रिमूव कर देता है, वो कैसे पता चलेगा। जैसे कि आपको देखोगे कि हमारे पुराने टाइम कंप्यूटर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर आईसीस वगैरह होती, तो आईसी को कैसे पता चलता है कि इस जगह से इस जगह पर यहाँ पर सिग्नल जाना चाहिए, क्योंकि फर्मवेयर होता है और यहीं पर हमारा जो कंप्यूटर का बीट जो होता है काम होता है यहाँ पर, क्योंकि हम जब कोई भी काम करते हमारा CPU जो होता है इसी चीज फर्मवेयर के ऊपर काम करता है। अगर आप कहोगे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर CPU किस तरह से काम करता है,
तो सीपीयू का काम यही होता है कि जो उसका डेटा आ रहा है वो डेटा को समझता है, रीड करता है और सीधा वो उस सिग्नल को जहाँ उसको भेजना चाहिए वो उसी तरीके से अपने कंप्यूटर के यहाँ पर प्रोग्रामिंग के थ्रू वो भेज देता है। यहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि एन एग्जाम्पल इज द रोम, रीड ओनली मेमोरी चिप। दिस आर इलेक्ट्रॉनिक चिप डेट हैव सॉफ्टवेयर इन देम ऑल द टाइम। कोई भी आपकी जो रीड ओनली मेमोरी होती है, मतलब वो सिर्फ रीड करना जानती है, राइट करना नहीं जानती, जैसे कि आपकी रैम है, तो कंप्यूटर के अंदर हमारे जो रैम होती है, हमारे मोबाइल के अंदर रैम होती है, वो रैम क्या होती है, किस तरह से होती है वो भी मैं बताऊंगा, रैम किस तरह से काम करती है वो भी बताऊंगा। लेकिन उस रैम के ऊपर छोटी सी चिप होती है, यहाँ पर वो चिप होती है वही मेन चीज होती है रैम के लिए। जो चिप होती है वो सिर्फ रीड करके आपको आउटपुट भेज देती है। आउटपुट का मतलब होता है सिग्नल को भेज देना। तो सिग्नल जो आगे बाहर निकलते हैं, जो भी हम एक ए प्रेस करते हैं, बी प्रेस करते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं, सेव करते हैं, कोई हम मूवी चलाते हैं, कोई फोटो देखते हैं, तो इतने सारे जो हम काम करते हैं मोबाइल के अंदर, मिनी सेकंड के अंदर बहुत सारे यहाँ पर सिग्नल भेजे जाते हैं, यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाते हैं। कुछ सिग्नल जो है बहुत ही परफेक्ट होते हैं, कुछ सिग्नल जो है वीक होते हैं। इसके कारण वीक सिग्नल के कारण, वीक प्रोसेसर के कारण जो हमारा प्रोसेस जो होता है वो डाउन हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपकी कंप्यूटर की क्वालिटी अच्छी होगी, जैसे कि मैंने कहा था कि सीपीयू बहुत सारे टाइप होते हैं, कोर आई, कोर आई थ्री, कोर डुअल कोर टू, P4, बहुत अलग अलग टाइप के सीपीयू होते हैं। सीपीयू के बारे में सब समझाऊंगा, लेकिन अभी ऐसा समझो कि ऐसा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो सब कुछ सब सेंट्रल प्रोसेस से गुजरेगा और वही आपको आउटपुट देकर कंट्रोल करना है आपको। तो यही काम होता है यहाँ पर फर्मवेयर का। तो फर्मवेयर ऐसा सिस्टम है, जब तक ये आप कंप्यूटर को समझोगे नहीं तब तक आप फर्मवेयर भी समझोगे नहीं, कि जो भी आप सिग्नल सेंड करते हो, जो भी आप इनपुट देते हो, जो भी आप माउस से इस कर्सर को घुमाते हो, कोई सेव का बटन क्लिक करते हो, तो ये फर्मवेयर ही समझता है कि आपने यहाँ पर इसको क्लिक किया। तो कंप्यूटर ऐसा नहीं समझता कि आपने सेव बटन पर क्लिक किया, कंप्यूटर तो वही समझता है कि जिस प्रोग्रामर ने जिस प्रोग्रामिंग की है, चाहे वो उस प्रोग्राम को किस तरह की भी आपने नए तरीके से डिजाइन से बनाया हुआ है, लेकिन जैसे वो सिग्नल एंड होता है यहाँ पर, जैसे आप सेव करते हो, तो ये यहाँ पर फर्मवेयर हमेशा मिनी सेकंड के ऊपर आपके सीपीयू के अंदर काम करता रहता है यहाँ पर। और जब भी आपका छोटी छोटी जो चिप होती है रैम के ऊपर, वो हमेशा रीड करती रहती है आपके डेटा को, वो राइट नहीं करती, तो इसको रोम कहते हैं यहाँ पर। तो रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम जो होती है, ROM, ये दो टाइप की मेमोरी होती है। ROM का काम यही होता है कि वो चिप जो होती है उसके ऊपर लगी होती है। तो मैं आपको ये जो समझाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। तो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर चिप होती है यहाँ पर, ओके। फिर आपको और मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पर कि किस तरह से काम होता है, कि माइक्रो कंप्यूटर जो आप समझते हैं इसको, अभी इसको समझो माइक्रो कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर जो हम उसको पीसी कहते हैं या तो फिर कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन जब भी हमारा कंप्यूटर काम करता है तो ये 3 यूनिट पर काम करता है। बेसिकली तीन थ्री बेसिक मॉडल्स पर काम करता है। एक है डेस्कटॉप मॉडल, और ये नॉर्मली सीट हॉरिजेंटल टॉप होता है यहाँ पर डिस्क के अंदर। दूसरा जो टावर मॉडल होता है, और ये वर्टिकली यहाँ पर अंडर डिस्क के काम करता है। और ये तीसरा जो मॉडल होता है वो लैपटॉप मॉडल होता है, लेकिन एक यहाँ पर पोर्टेबल काम करता है यहाँ पर। तो तीनों के अंदर हर एक सिस्टम के अंदर चेंज, यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसर, सीपीयू, तो सभी के अंदर डिवाइस लगी होती है यहाँ पर, रैम भी होती है, लेकिन उसका जो मेन मॉडल होता है वो अलग अलग होता है यहाँ पर। आप लैपटॉप खोल कर उसकी मदरबोर्ड देखोगे तो उसका डेस्कटॉप से बहुत बहुत ही अलग होगा यहाँ पर, उसका डिजाइन अलग होगा, उसकी मेथड अलग होगी यहाँ पर, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, किस तरह की होती है, वो कंप्लीट सेम ही होती है यहाँ पर। तो आपको पता चल गया यहाँ पर। यहाँ पर बात चौथी जो मैंने ऐड नहीं की है वो है सर्वर मॉडल। सर्वर मॉडल की मैं बात करूंगा सर्वर की वीडियो के अंदर। तो बेसिकली ये बेसिक के मेन कंप्यूटर है के पार्ट्स है यहाँ पर। जब तक इसको समझोगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यही चीज होती है, हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि क्या हमें
सेट करना है यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिवाइस, कंप्यूटर की कौन कौन से यहाँ पर डिवाइसेस होती है, किस तरह की डिवाइसेस होती है, और यहाँ पर डिवाइस जो हम ऐड की होती है कितने टाइप की होती है वो भी हम सीखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउजर वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, फिर हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको चैनल पर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।